नमस्कार साथियों, फिर से आप लोगों को नया क्लास में स्वागत है। आप लोगों को पता है कि मौलिक अधिकार को हम 6 पार्ट में अपलोड करेंगे, जिसमें से 2 पार्ट अपलोड हो चुका है। आप लोग जाइए प्लेलिस्ट में देखिए। आज की क्लास में हम 3rd पार्ट बताएंगे, जो शोषण के विरुद्ध अधिकार है। यानी हमारे भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार 6 प्रकार से लिखा गया है, जिसमें से 6 भागों में बांटा गया है। इसमें तीसरा भाग हम आज आप लोगों को बताएंगे, शोषण के विरुद्ध अधिकार। चलिए फिर आप लोग सबसे पहले जान लें कि अगर आप लोगों को मौलिक अधिकार का अगर PDF चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए और इसका लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसके बाद आप लोग देख लें कि अनुच्छेद शोषण के विरुद्ध जो अनुच्छेद है भारतीय संविधान में, वो 24 और 23 है। 23 और 24 है फ्रेंड, ठीक है। 23 और 24 भारतीय संविधान में अनुच्छेद में शोषण के विरुद्ध अधिकार को लिखा गया है। तो सबसे पहले लाइन बाय लाइन आप लोग अनुच्छेद 23 को समझिए, उसके बाद 24, उसके बाद आप आज की क्लास खत्म हो जाएगी, शासन शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक है। फिर चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, भारत में देह व्यापार, यानी भारत में देह जो व्यापार किया जाता था वो उसको हटा दिया गया है, और बालाश्रम पर निषेध कर दिया गया। बालाश्रम को भी निषेध कर दिया गया, यानी बालक लोग यानी बच्चे लोग वो क्या कहते हैं, कार्य नहीं कर सकते हैं। उसके बाद इसमें कहा गया है कि किसी व्यक्ति से जबरन कार्य कराना, जबरन काम कराना दंडनीय अपराध है। ये अनुच्छेद 23 में लिखा गया है कि दंडनीय अपराध है माना जाएगा, और इसी अनुच्छेद के तहत बेरोजगारी प्रथा का अंत किया गया, यानी बलात् जबरदस्ती। जैसे कि इसी अनुच्छेद के कारण ही बच्चों से काम कराना समाप्त कर दिया गया, और देह व्यापार करना भी समाप्त कर दिया गया, और बलात्श्रम भी करना समाप्त कर दिया गया। ये अनुच्छेद 23 में हमारे भारतीय संविधान में लिखा गया। उसके बाद आप लोग समझ ले अनुच्छेद 24, इसमें कहा गया है कि 14 वर्ष से लेकर से कम आयु के बच्चे को किसी भी कारखाने, खान या जोखिम भरे कार्यों में नियुक्त नहीं किया जा सकता है। जैसे जो बच्चे अगर 14 वर्ष से कम की आयु के हैं, उसे कारखाने, कहाँ कारखाने, खान जैसे कोयला खान या सोना खान, ऐसे जैसे जगहों पर उसको काम करने को नहीं दिया जा सकता। जैसे जोखिम भरे, जैसे बड़े बड़ा टावर बन रहा है, वैसे जगह पर 14 वर्ष के कम आयु के बच्चे को वहाँ पर कार्य नहीं करने को दिया जाएगा। ये हमारा अनुच्छेद 24 बोलता है। उसके बाद आगे कहता है कि यानी इसी अनुच्छेद से बाल श्रम को प्रतिबंधित किया गया, मतलब इसी अनुच्छेद के अनुसार भारत में बाल श्रम को क्या किया गया, खत्म किया गया। तो यह खत्म कब किया गया, तो इसी के तहत बाल श्रम को प्रतिषेध अधिनियम 1986 पारित किया गया, और 2006 में इसमें संशोधित किया गया। इसमें संशोधित ये किया गया कि अब कोई भी बच्चा दुकान में भी कोई काम नहीं कर सकता, होटल में भी काम नहीं कर सकता, कहीं पर भी अगर 14 वर्ष का आयु के बच्चे अगर काम करते हैं, सभी जो काम कराने वाले व्यक्ति हैं या दुकानदार है, कोई भी मालिक है, उसको दंडनीय अपराध के अनुसार, उसे कानून के अनुसार ये उसे दंड दिया जाएगा। ये हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद में है। आज की क्लास में फ्रेंड इतना ही, और आप लोगों को मौलिक अधिकार का 3rd पार्ट में बताएंगे, जिसमें दो पार्ट अपलोड हो चुका है, आज 3rd पार्ट अपलोड होगा। इसी तरह लाइन बाय लाइन अपलोड होते चलेगा। आप लोग इस चैनल पर बने रहे, और जितने भी स्टूडेंट को अच्छा से बेसिक से GS को तैयारी करना है तो इस चैनल पर आ सकते हैं। बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।